Good morning students, this is first lecture for chapter 3 of computer, class 4. So, uh, the chapter is more on logo. In this chapter, uh, we will learn about some basic logo primitives and uh, some commands and uh, how to draw uh, uh, polygons, circles, curves. So, uh, let's uh, start one by one. Uh, we have already learned in the previous classes uh, that logo is a simple computer language. यूज फॉर ड्रॉइंग फिगर्स एंड परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था लोगों एक कंप्यूटर uh, लैंग्वेज होता है एक सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज जिनका यूज फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए और छोटे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं सो वी हैव आल्सो लर्न डिफरेंट प्रिमेटिव और uh, कई तरह के हमने प्रिमिटिव भी पढ़े थे जैसे बैक uh, के लिए बी के यूज टू ड्रॉ सिंपल फिगर्स इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो

लोगो uh, टर्टल का uh, जिधर हेड uh, होता है उस डायरेक्शन में जितना हम नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे कमांड uh, के साथ उतने स्टेप्स मूव करना नेक्स्ट है बैक कमांड जिसे हम लोग बीके के नाम से बीके लिखेंगे इट मेक्स द टर्टल मूव बैक तो बीके कमांड का यूज क्या होता है बैक कमांड का यूज होता है टर्टल को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना आर टी जिसे राइट uh, टर्न right बोलते हैं द so, right so, so, राइट करता है हम जो नंबर इनपुट करेंगे उतने एंगल में ठीक है नेक्स्ट है लेफ्ट जिसको एल टी कमांड बोलते हैं तो so, इनका काम क्या होता है टर्टल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना बाई द गिवेन डिग्री तो जो हम जैसे यहां पर लिखा गया है एल टी फोर्टी फाइव और ये इंटर हमने जैसे ही प्रेस किया तो टोटल जो है लेफ्ट यानी एंटी क्लॉक वाइज फोर्टी फाइव डिग्री पे मूव करेगा नेक्स्ट है एसई टी एच इट टर्स द टोटल इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन विदाउट यूजिंग राइट कमांड तो सेट कमांड का जो यूज किया जाता है बिना राइट right कमांड का यूज किए हुए टोटल को अगर हमें क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करना है तो हम लोग इस कमांड का यूज करते हैं नेक्स्ट है होम कमांड इट ब्रिंग्स द टर्टल बैक टू इट्स होम तो कहीं भी हमारा टर्टल जैसे फॉरवर्ड कमांड बैक कमांड का यूज करके टर्टल को लेके जाते हैं फिर हम सेंटर मेन स्क्रीन के सेंटर में जब हम uh, टर्टल को लाना चाहते हैं तो हम होम कमांड का यूज करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्लियर स्क्रीन और सी एस कमांड तो

तो जो भी टेक्स्ट रिकॉल लिस्ट बॉक्स में यानी टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट होते हैं हम लोग कमांड्स जो देते हैं उन्हें ड्रो कर सॉरी उन्हें इरेज करने के लिए हम लोग क्लीन टेक्स्ट यानी सीटी कमांड का यूज करते हैं और सीटी कमांड जब हम यूज करेंगे तो हमारा जो मेन स्क्रीन पे जो फिगर ड्रो होता है वो क्लियर नहीं होता है वो सेम उसी तरह रहता है नेक्स्ट है हाईट टर्टल हाइट टर्टल का काम क्या होता है मेन स्क्रीन से टर्टल को छुपाने के लिए हाइट करने के लिए यूज करते हैं और एक फीचर और है लोगों में द टटल कैन ड्रो इवन वेन इट इज हिडन तो जब टटल हिडन है यानी नहीं दिख रहा है हमें छुपा है उस समय भी हम ड्रो कर सकते हैं कमांड से नेक्स्ट है सो टटल अब टटल जब हम हाइड कर देते हैं तो फिर से उसे मेन स्क्रीन पे अपीयर करने के लिए हम लोग एस टी कमांड का यूज करते हैं दैट इज सो टर्टल कमांड नेक्स्ट है प्रिंट कमांड जिसे हम लोग पी कमांड के नाम से जानते हैं करने के लिए हम लोग प्रिंट uh, कमांड का यूज करते हैं नेक्स्ट है लेवल कमांड इट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट और नंबर एट करेंट टोटल पोजिशन तो टोटल का जो पोजिशन है जहां पे टोटल अभी प्रेजेंट uh, होगा वहां पर अगर हम किसी टेक्स्ट uh, को या फिर नंबर को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम लोग लेवल कमांड का यूज करते हैं नेक्स्ट है बाय कमांड बाय कमांड का यूज होता है लोगों को एग्जिट uh, करने के लिए लोगों जो एप्लीकेशन है उसे uh, बंद करने के लिए बाय कमांड का यूज होता है सो इन टूडेज वीडियो वी हैव रिवाइज प्रीवियस प्रीमेटिस फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस सो नाउ टुमारो बी विल लर्न अबाउट पेन अप कमांड सो टिल देन स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू